खबर राजस्थान के डीडवाना से है, जहां कोरोना की पहली लहर में उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौत के बाद अचानक चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सीकेएस हॉस्पिटल में वेलफेयर हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा आयोजित निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर में अपनी सेवाएं दी। फाउंडेशन के फाउंडर जुनेद कोटवाल ने जानकारी दी कि बुधवार को प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक यह शिविर लगाया गया है, जिसमें 220 बच्चों का पंजीकरण किया गया है, जिसमें डॉक्टर कफील खान के द्वारा परामर्श के साथ ही फाउंडेशन के द्वारा दवाइयां वितरित की गई हैं। बता दें, डॉक्टर कफील अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल के उस पोर्च पर गए जहां मरीजों को ठहराया गया और बिना किसी औपचारिकता के डॉक्टर कफील ने अपना संबोधन दिया। उस संबोधन में कई तरह की बातें की तो उन्होंने 10-10 बच्चों वाला उदाहरण दिया, इसके साथ ही विज्ञान की तरक्की को लेकर बात कही। साथ ही डॉक्टर कफील ने कहा कि फार्मा कंपनियों चिकित्सकों की साठगांठ आम गरीब पर भारी पड़ रही है। इसी के साथ ही उन्होंने बेहतर इलाज की बात की और कहा कि 10 वर्ष तक मां ने जिस बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से कर लिया, उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। उन्होंने कुपोषित बच्चों की सेहत को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि पौष्टिक आहार ही हर बीमारी का इलाज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को जबरन ठूस कर खिलाओ। डॉक्टर कफील ने अनुसार बच्चों की कदकाठी माता पिता की कदकाठी का अनुरूप होनी चाहिए, साथ ही उन्होंने अन्य तरह की जानकारी दी। इस मौके पर उनका जगह जगह स्वागत भी हुआ। देखिए, 11 बच्चे पाल लिया, बात सही कह रही है ये। पुराने जमाने में ज्वाइंट फैमिली होती थी। ज्वाइंट फैमिली का मतलब है कि पुराने जमाने में दादा दादी चाचा चाची पूरा परिवार रहता था, तो ढेर सारे बच्चे रहते थे, आपस में खेल जुल के ठीक हो जाते थे। में कई बार होता है कि एक एक हफ्ता तक लैट्रिन नहीं करते हैं, वो भी नॉर्मल है। तो कभी भी ये दिमाग में मत लाइएगा कि आपके बच्चे को कई बार लैट्रिन हो रहा है तो उसकी वजह से वजन नहीं बढ़ रहा है। हाँ, आप उसका वजन चेक करते रहिए, अगर वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो उसके लिए नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है।